सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कल देखा था ना कैसे खा रहा था मैं, तो अभी जिम में खड़ा हूँ, तो जैसा खाओ वैसा तोड़ो। बट एक तरीके से वादा है कि जो डाइट पे जा रहा हूँ एक महीने में चेंज दिख जाएगा, चेहरा वगैरह सब ख़त्म। ठीक है जी, और अभी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, देखें सामने दिखाता हूँ आपको कि जिम तो इम्पोर्टेंट है बट योगा कितनी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्रवीण भाई आ गए चैनल पर दोबारा, और देखिए आसन देख लें, योगा करते हैं ये, वर्कआउट भी करते हैं, पर देखें और किस आसानी से मार रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस। योगा आप रोज़ करते हो ना, एक दो आसन रोज़ करते हैं। और ये देखो जिम में यूटिलाइजेशन देखें आप, कि हर चीज़ का महत्व है, जैसे हम कहते हैं रनिंग का, एब्स का, और कार्डियो इंटेंस, HIIT वेट ट्रेनिंग, योगा देखें। और ये तस्से मस वैसे के वैसे ही हैं योगा के चक्कर में, चार पाँच आसन, अब देखें पुशअप मार रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो सो गाइज वेलकम बैक। वर्कआउट अपना सुबह हो गया था, अब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसे कि आपको बोला कि आई थिंक 5-6 डेज फुल जंग चल रहा है तुम्हारे भाई का, सब खा रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं है। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो मैंने लोगों का सुना यार एकदम खा के कैसे स्विच कर लेते हो, तो देखे मैं तो ये मानता हूँ कि एक कहावत भी है, पियो तो हद कर दो वरना कार्यक्रम रद्द कर दो। तो इफ़ यू गोइंग फॉर आई मीन कोई प्लान कुछ बना रहे हो, लाइक अपनी बॉडी को टाइम देना चाहते हो, तो उससे पहले जो भी आपकी क्रेविंग्स है, जो भी आप अनशंट खाना चाहते हो, जो आपका मन करता है और आपको लगे कि यार ये नहीं खाया ये खा लेता हूँ। बिकॉज अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2 महीने 3 महीने या मेरा मन ही ना करे वो खाने का, 4-4 महीने जैसे मैं बताता था। तो लंच टाइम है और अभी आपको दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ, आज का ऑफिशियल लास्ट सेकेंड लास्ट मील, क्योंकि लास्ट मील होगा डिनर का। तो ये एक और जंक 5-6 डेज जंक चैलेंज समझ लो, 26 से दिखा रहा हूँ तुम्हें, कभी शादी फंक्शन सब खाया है, सब पिया है, बट आज 31st इट्स ऑफिशियल लास्ट डे। तो सेकेंड लास्ट मील है छोले भटूरे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट। आज मेरे को मन किया, मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा ये खा लेते हैं, तो अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ, ठीक है। और लास्ट मील जो भी होगी ऑब्वियसली जंकी होगी, कुछ उल्टा सीधा ही खाऊंगा, तो वो ज़रूर दिखाऊंगा, बिकॉज कल से बिल्कुल क्लीन और कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर डाइट चलेगी, कब तक चलेगी वो भी आप देखना, कोई बीच में चीट लूँगा, एक महीने तो सोचा नहीं लूँगा, आएगा आगे देखेंगे। तो अभी इसको खाने दो और एंजॉय आप भी करो, ले आओ छोले भटूरे, ठंड बहुत है, मज़ा आ जाएगा, या कुछ पकौड़े शकौड़े। यार ये जो भटूरे है ना यार, ये उबले अंडे चिकन, ये खाना पड़ेगा,
और ये जो चीज़ है ना यार, ये बनी है चीज़ें अमेजिंग मैन, जो स्वाद आ रहा है ना मुँह में, ओहो भटूरा स्पेशल है। कहाँ क्या बताऊँगा नहीं, गैस कर लो ठीक है, कमेंट कर देना, और बहुत ज़बरदस्त है, दोबारा देख लो और गैस कर लो कहाँ के होंगे ठीक है ना, और बहुत टेस्टी है अचार। सो हियर इज द लास्ट मील ऑफ द डे, और देख लें यमी डिलीशियस दिस इज कीमा मीट मटन, एंडिंग अप द नाइट विद दिस। तो ये जी ऑल द चीट्स का आखिरी चीट मेरा आज का यही है, इसके साथ अपना जी रोटी खाई है, और बट जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि पूरा डे और डे आई मीन 4-5 दिन देख लिए फुल चीट चला है, बट कल से कोई चीट नहीं होगा, प्रॉपर डाइट और बॉडी एक अलग लेवल पे और अलग तरीके से यू नो चेंज और ट्रांसफॉर्म करूँगा बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर। तो जी ये इन्जॉय करते हैं आज मटन को, और उसके बाद जो है ठीक है ना, आगे मिलेंगे आपसे, तो अभी के लिए गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर ऑफ अ फैमिली। तो बहुत ही बढ़िया डिनर हो चुका है, और मैंने आपको दिखाया ये वक्त, मतलब आज मज़ा आ गया, मतलब ये जो खा रहा हूँ ना 4-5 दिन से, कितने हैप्पी हॉर्मोन्स फील होता है ना व्हेन यू ईट सो मच ऑफ कार्ब, सो मच ऑफ यू नो योर चूजी आई मीन लाइक द फूड यू लाइक। तो देखें अब ये हो गया ख़त्म, पर एंडिंग तो हमेशा से ही हैप्पी गई जाती है, हैप्पी एंडिंग जब तक ना, और हैप्पी कब होगी, जब आप अपना मुंह मीठा करेंगे है ना। वैसे तो देखिए मैं बताऊँ आपको, घर में लड्डू पड़े थे ठीक है जी, तो मैं 1/2 किलो लगा लें, हाँ मतलब 8 या 9 लड्डू सुबह से खा चुका हूँ, बता दूँ अभी, वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बार बार ब्लॉगिंग काम भी हो रहा था। तो अब जो है ये जो लास्ट है, आई थिंक आई यू आप लोग भी खा रहे होंगे घर पे, तो मैं कहीं लास्ट मेरा है बिकॉज पेट भर गया है, मीठा खाने का क्रेविंग तो इतनी है, कोई वो नहीं है, और दूसरी बात ये भी नहीं है तबीयत ख़राब नहीं करनी कि इतना खा लो कल से कुछ नहीं, वो अलग बात है, बट तबीयत ख़राब नहीं करनी आपका मतलब डाइजेशन तो ठीक है, उस क्वांटिटी में ज़रूर खा रहा हूँ कि मुझे अब कोई क्रेविंग नहीं होने वाली। तो ये लास्ट मील जो है वो देखें, लास्ट मील नहीं, ये मीठा का लास्ट मील जो है, जो कि वो महीने बाद खाऊँगा पक्का। हाँ जी, तो ये गाजर का हलवा, कल मूंग दाल खाया था और एक ही गुलाब जामुन, मुझे लगता है मैं एक ही चीज़ खा लूँ क्योंकि पेट भर गया मेरा बहुत, मैंने अभी पानी काफ़ी पी लिया है, पर ये ख़त्म करके ही सोऊंगा आज मैं, और कल से, और कल से मिलेंगे आपको सीरियस होकर, एकदम फोकस होकर, फोकस पिछले महीने मैंने आपको दिखाया जब शादी आने वाली थी, आई स्टॉप ईटिंग शुगर, एंड मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये भी एडवाइस कर रहा हूँ, जैसे कि आप शुगर और सॉल्ट कम कर दें, देखें कैसे मैं फंक्शंस में कमेंट्स आए, आप अच्छे लग रहे हो, ग्लो और ये सब, मैंने वो भी बताया मैं क्या क्या और टैबलेट्स ये सब कर लेता हूँ चीज़ें। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़कर स्टडी कर किसी की बातों में ना आकर, इवन मेरी भी नहीं, कर सकते हैं, और कभी भी कोई फंक्शन आ रहा है शुगर सॉल्ट कम कर दें, घर का खाना खाना शुरू कर दें, मील्स जो हैं वो एक अच्छे प्रोपोर्शन में लें, और थोड़ी सी फास्टिंग भी बढ़ा सकते हैं जो बंदे नहीं करते, फास्टिंग विल हेल्प यू नॉट टू गेट यू नो कैन से फैटी और समथिंग लाइक, आप बिल्कुल लीन और आप मतलब सही रहेंगे अगर आपकी फास्टिंग 14-16 घंटे की हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैक्स हैं, मैं बताऊँगा कभी, और अभी के लिए मैं इसे इन्जॉय करता हूँ, और आप भी ना बस ही अपना प्यार और मोहब्बत दिखाओ ब्लॉग को मुझे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्यार दो, एंड ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाता रहूँ, बड़ी मेहनत लगती है कई बार काम वगैरह सब मैनेज करने के बाद कि मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाता हूँ अपने लिए, बिकॉज मुझे पसंद आ रहा है ये करना अपने आप को, यू नो कैमरा, आई एम नॉट अ कैमरा कॉन्शियस गाय, मुझे तो नॉर्मल फील होता है और मुझे अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ना, सो बट आप ऐसी सराहना देंगे और काम को लाइक करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इसको खाता हूँ, गुड नाइट, सी यू, व्लॉग्स देखते रहें, प्यार बनाए रखें, और सब्सक्राइब कर दो फटाफट जाके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सबको प्यार दो।